Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Hallelujah. Excuse me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the King of glory. Hallelujah. Jesus, we thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manjeet Masih ji, Jai Masih ki. Aapko meri awaaz aa rahi hai? साबी सुरजीत जी, मंजीत मसीह जी, प्लीज लेट मी नो आपको आवाज आ रही है. हालेलुया, शालोम एंजेला, शालोम, हालेलुया. प्लीज टेल मी इफ यू हियर मी, मेरी आवाज आपको आ रही है? पूजा बैंस, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू, बट लेट्स मेडिटेट ऑन द वर्ड, देन आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू टुडे. ओके, ऑलराइट. हालेलुया, आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें. हालेलुया. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. हालेलुया, 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 आमीन. लॉर्ड, आई प्रे that your angels will surround this telecast. Lord, that the voice, which is your word, it is not man's voice, Lord. It is your word that shall never return unto you void. Lord, it shall accomplish where you sent it, and it shall prosper in your assignment. For your word shall be like the rain that falls from heaven above upon the earth, and drenches the earth, and the earth yields its fruit. So shall be your word, Lord. Hallelujah. खुदावंद, तेरे खून को मैं छिड़कता हूँ इस टेलीकास्ट पे. तेरे लहू के साये के नीचे एक वचन को लेके आता हूँ खुदावंद. यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. आपको मालूम, आज हम ब्लड एंड वाटर पे मेडिटेट करेंगे. मैंने आपको कई बार बताया ये कि परमेश्वर ने वो जो मिट्टी का पुतला बनाया, जिसे उसने नाम दिया आदम, एडम, एडम उसे बाद में नाम दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी सूरत में, अपनी शक्ल, अपनी सूरत में बनाया. दो वर्ड हैं इंग्लिश में, इमेज एंड लाइकनेस. इमेज के लिए हिब्रू वर्ड है जलेम. परमेश्वर ने उस पुतले को तैयार किया. अभी तक परमेश्वर उसके अंदर अपना श्वास नहीं डाला था, तो वो एक मिट्टी का पुतला था. जलेम, आपको मालूम जलेम वर्ड का मतलब होता है आइडल. जैसे एक मूर्ति होती है प्रतिमा, वैसी एक मूर्ति एक प्रतिमा की मानिंद था वो मिट्टी का पुतला, क्योंकि अभी तक उसके अंदर जीवन नहीं गया था. वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना श्वास यहां से मिट्टी के पुतले की जो नथने थे उसके अंदर अपना श्वास डाला, यहां से होके उसके लंग्स में गया. और वो हिब्रू वर्ड है नशेमा खई, नशेमा खयम, नशेमा खेम. आपको मालूम लाइफ के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में जो वर्ड है वो हिब्रू वर्ड है H5315. हिब्रू लेक्सिकन में 5315 वर्ड है, और वो वर्ड है नफेश. ओल्ड टेस्टामेंट में केवल डुअल कॉन्सेप्ट है, इनर मैन एंड द आउटर मैन, नफेश एंड शेम. अंदरूनी मनुष्य को नफेश कहा जाता है, बाहरी मनुष्य को शेम कहा जाता है. तो नफेश क्या है? यह है मनुष्य की सोल, जान, श्वास, जो हम सांस ले रही है नफेश है. इनर बीइंग, अंदरूनी मनुष्य, तब मनुष्य के ख्याल, विचार, मनुष्य के इमोशन, भावनाएं, माइंड, रीजनिंग, कॉग्निटिव रेजोनेंस, कॉग्निटिव माइंड, यह सब क्या है? नफेश है. और मनुष्य का हार्ट जो है, दिल जो है, वो मनुष्य की डिजायर से कनेक्टेड है, मनुष्य की इच्छा से. तो वचन में लिखा है एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग.
क्या बन गया? एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग. सुनिए ध्यान से, एडम डिड नॉट बिकम अ स्पिरिट बीइंग, एडम बिकेम ए लिविंग बीइंग. उसके अंदर नफेश चला गया, निशामा खई चला गया उसके अंदर. हालेलुया. तो आपको मालूम प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने कहा यू विल वॉक विद मी. इसके ऊपर हम वचन पे मनन करेंगे आने वाले दिनों में, हाउ टू वॉक विद गॉड. वचन में हिब्रू वर्ड है हलाग. हलाग का मतलब होता है टू वॉक विद गॉड. वचन में लिखा ड्यूरिंग द कूल ऑफ द डे द लॉर्ड यूज टू कम एंड एडम यूज टू वॉक विद गॉड. जब तक उसने पाप नहीं किया वो परमेश्वर के संग चलता था. बाइबल की जो खूबसूरती क्या है, इट इज अबाउट वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के संग चलना. हालेलुया. प्रभु ने उससे कहा इफ यू ब्रेक माई कमैंडमेंट, इफ यू डिसोबे मी एंड इफ यू ईट दैट फ्रूट दैट आई फॉरबेड यू फ्रॉम ईटिंग दाउ शैल्ट श्योरली डाई. प्रभु ने कहा तू सचमुच मर जाएगा. हालेलुया. आपको मालूम मौत के लिए क्या वर्ड है हिब्रू में? मैंने आपको पहले बताया एक दो बार, मौत के लिए हिब्रू वर्ड है दमूत. और मैंने आपको यह भी बताया जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी के पुतले के अंदर जीवन डाला, तो परमेश्वर ने उसको नाम दिया एडम. एडम असल में स्पीशी का नाम है, जो एक स्पीशी बना दी परमेश्वर ने. क्योंकि छठे दिन परमेश्वर ने जानवर भी बनाए, छठे दिन जलचर भी बने, छठे दिन परमेश्वर ने बहुत सारी सांस लेने वाले प्राणियों को बनाया और सिक्स्थ डे इंसान को बनाया. तो मैन एक सुपीरियर स्पीशी है, उस स्पीशी का नाम उसने रखा एडम. एडम जो है अलफ दालेथ मैम, तीन वर्ड से बनता है, अलफ दालेथ और मैम सफीत. तो दालेथ मैम से बनता है दमाम, दामा जिसका मतलब होता है खून, ब्लड, खून. आदम के एक हिस्से का नाम है खून. अलफ का मतलब है परमेश्वर, अलफ का मतलब है ऑक्स, द हेड, मुखिया, सृष्टि का रचता, और दमाम का मतलब है ब्लड. हालेलुया. उसके अंदर ब्लड पैदा हुआ और उसके संग यहोवा जुड़ा, अर्थात वो सुपर नेचुरल क्रीचर है, पृथ्वी स्वर्ग से कनेक्ट, और ब्लड है उसके अंदर जिस्मानी. अलफ दलथ मैम दमाम, उसके अंदर जिंदा खून है और वो खून उसके अंदर दौड़ता है, उसकी नसों में, उसकी धमनियों में, उसकी कैपिलरीज में, उसकी आर्टरीज में, उसकी वेन्स में ब्लड दौड़ता है, उसके ऑर्गन्स के अंदर ब्लड दौड़ता है. और ऑक्सीजन जो वो ब्रीद करता है, लंग्स उसके ब्लड में मिक्स करते हैं और ब्लड की रवानगी है, ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजन के द्वारा. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड विल सीज टू फ्लो एंड पर्सन विल डाई. हालेलुया. तो प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा तू सचमुच मरेगा. सुने मौत के लिए क्या वर्ड है? दमूत. सुने ध्यान से हिब्रू वर्ड क्या है? दमूत. दाम, दमाम, मूत. मूत हिब्रू वर्ड का मतलब होता है खामोश हो जाना. मूत से मौत निकली है. मौत का मतलब खामोशी. मौत का मतलब यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड इटर्नली इफ यू डू नॉट नो जीसस. तो दमाम का मतलब ब्लड, मूत का मतलब खामोश. मौत कब आती है? जब ब्लड खामोश हो जाता है. आपके अंदर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपके ब्लड में है, आपके ब्लड में जीवन है, आपका खून बोलता है, आपका खून गवाही देता है. आपको मालूम जब किसी इंसान को, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने में इतना माहिर नहीं है, जब वो झूठ बोलता है उसका चेहरा पीला क्यों पड़ता है? चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके चेहरे की रंगत उड़ती है. आपको मालूम क्यों? जो उसके चेहरे में ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, जब वो झूठ बोलने लगता है, पाप करने लगता है, तो ब्लड जो है वो उसकी गवाही नहीं देता है. ब्लड उस बंदे को डिनाई करता, तो चेहरे पे हाव भाव पता लग जाते हैं. ब्लड जीवित है आपके अंदर, आपके अंदर खून गवाही देता है, आपके अंदर खून बोलता है. जब मृत्यु आती है तो खून खामोश हो जाता है, खून बोलता नहीं है. क्यों नहीं बोलता? क्योंकि खून को ऑक्सीजन नहीं मिलती,
जीवन नहीं मिलता, खून में रवानी नहीं रहती, खून डेड हो जाता है, खून मुर्दा हो जाता है। जो चीज बहती नहीं है, जो चीज चलती नहीं है, वो मुर्दा हो जाती है। इसलिए हमें चलना है आगे, हमें आगे बढ़ना है, हम एक जगह स्टैग्नेंट नहीं हो सकते, एक जगह खड़े। इसलिए प्रभु यहोवा कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2:13 में, मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं, इन्होंने मुझे त्यागा, मैं तो कल कल बहते जीवन का सोता हूं, मैं हमेशा बहता हूं, चलता हूं, मैं वो जीवन देने वाला पानी हूं, अमृत जल का कुंड हूं जो बह रहा है, चल रहा है पानी। लेकिन मेरी प्रजा ने अपने लिए हौद बनाए हैं, हौद खोदे हैं, जिनके अंदर मुर्दा पानी है, डेड पानी है, खड़ा हुआ पानी है। ऐसे ही बहुत सारी चर्चेस का हाल है आज, जहां पे मुर्दा पानी है। ऐसे बहुत सारी क्रिश्चियंस की डिनोमिनेशन का हाल है, वहां पे जीवन नहीं, जीवन बह नहीं रहा, फ्लो नहीं है। मैंने आपको बताया था फ्लो होगा, यारा हिब्रू वर्ड अगर आपको याद हो, फ्लो करेगा। फिर 32 अध्याय व्यवस्था विवरण के 2 वचन में प्रभु कहता है, बारिश की तरह मेरी इंस्ट्रक्शन, मेरी हिदायतें, ये जो वचन है ये यहोवा की हिदायतें हैं, ये बारिश की तरह बरसेंगी ऊपर से। हिब्रू वर्ड फॉर रेन इज मोरे, एंड इट इज अ वेरी प्रोफाउंड वर्ड। मोरे इन हिब्रू मीन्स बोथ द रेन एंड द टीचर। व्हेन यहोशुआ हमशियाह द टीचर विल टीच यू, हिज वर्ड विल कम लाइक अ रेन। And I told you, the Lord said, I am Machor, the fountain of living water. वो पानी नीचे चलता है फाउंटेन और ऊपर से मोरे की तरह बरसता है, रेन की तरह, फर्स्ट एंड former एंड द लेटर रेन। हालेलुया। तो मौत क्या है? मौत है रवानगी का रुक जाना, गवाही आपके अंदर, जो गवाही है ब्लड के अंदर, वो गवाही खामोश हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेथ, दैट इज कॉल्ड डेथ। हालेलुया। आपको मालूम कि परमेश्वर ने आदम के पाप के लिए जानवरों का लहू कबूल कर लिया, पाप के बाद किस चीज की जरूरत पड़ी? अटोनमेंट की, अटोनमेंट करने की जरूरत पड़ी। अटोनमेंट को कहते हैं कफार, हिब्रू वर्ड है कफार। हम गाते हैं कई गाने, उर्दू में वर्ड है कफारा, कफार का मतलब अटोनमेंट। तो परमेश्वर ने जानवरों का ब्लड क्यों ले लिया? क्योंकि जानवरों ने पाप नहीं किया। जानवरों के अंदर भी नफेश है, जानवर भी लिविंग बींग थे। पढ़िए वचन को, अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर यहोवा नूह को हिदायत देता है, जब नूह अपनी कश्ती के अंदर, अपनी आरक के अंदर सभी जानवरों को लेता है, तो यहोवा परमेश्वर कहता है क्लीन एनिमल ले लेना, बीच में क्लीन और अनक्लीन दोनों थे, प्रभु ने कहा क्लीन एनिमल लेना, जिनके अंदर नफेश है, निशामा खय है, जिनके अंदर जीवन का श्वास है, उनको ले लेना। तो ये नफेश जानवरों के अंदर भी है। जानवरों का ब्लड अटोन करता है कवर करने के लिए, मिटाने के लिए नहीं, क्योंकि जानवरों का ब्लड इंसान के ब्लड से इंफीरियर है, घटिया दर्जे का है। लेकिन क्योंकि जानवरों ने पाप नहीं किया, इसलिए यहोवा ने जानवरों का खून लिया अटोनमेंट के लिए। जो पाप है, पाप का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसको मिटाने के लिए यहोवा ने जानवरों का ब्लड ले लिया। लेकिन जानवरों का ब्लड, जानवरों का खून केवल इंसान के पाप को ढांकता है, मिटाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जानवरों का ब्लड इंसान के पाप को मिटाता नहीं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करता है उनके इंटरेस्ट की, उसे केवल ढांकता है। तो मैंने आपको बताया, जब तक आदम को उस मिट्टी के पुतले को ब्रेथ नहीं मिला, निशामा खई नहीं मिला, वो एक मूरत था, आइडल था, जिसे हम कहते हैं जलेम, ओनली ए स्टैच्यू, ही वॉज ओनली अ स्टैच्यू, ही वॉज ओनली एन आइडल। हालेलुया। जलेम को हिब्रू में कहते हैं शैडो, आइडल जस्ट शैडो। हालेलुया। एनिमेटेड फोर्स नहीं है उसके अंदर, अभी यहोवा के जीवन का श्वास उसके अंदर नहीं। जैसे यहोवा के जीवन का श्वास उसके अंदर जाता है,
आपको मालूम उसके अंदर क्या पैदा होते हैं? उसके अंदर ब्लड एंड वाटर पैदा होता है। हालेलुया, पारलौकिक अद्भुत ब्लड, सुपरनेचुरल खून उसके अंदर पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, मैं आपको बता रहा था कि महायाजक जगवेदी पे 7 बार ऐसे खून को छिड़कता है, 7 times ब्लड को छिड़कता है, और जूफे की डाली से, हिसप उसे बोलते हैं, हिसप, जूफे की डाली एक झाड़ी होती थी इज़राइल में, उस झाड़ी को काटा जाता था, उसकी झाड़ी का एक ब्रश सा बना लिया जाता था, उसे खून में डिप करके 7 times स्प्रिंकल किया जाता था। पाप का मतलब मौत है, सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप का मतलब है रोग, बीमारियां, लांते, कमजोरियां, पाप का मतलब है मृत्यु। तो जहां मृत्यु आई उसके ऊपर क्या छिड़का जाता है? खून छिड़का जाता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु है दमूत की खून ने गवाही देनी बंद कर दी है, खून अब गवाही नहीं दे रहा। तो कौन सा खून गवाही देता आके? जानवर का खून गवाही देता है। लेकिन आपके और मेरे लिए सोचें जरा, बकरों, छत्रों, मेमनों, मेढ़ों के लहू से कहीं कीमती लहू, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का लहू है वो। अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20:28, वो बताता है यीशु मसीह की बॉडी में, देह में जो खून है वो यहोवा का खून है। वो पवित्र खून आपके और मेरे लिए बोलता है, गवाही दे रहा है पिता के आगे, क्योंकि आपका और मेरा खून मर गया। आपके और मेरे खून के अंदर गवाही नहीं रही, पाप के कारण मर गया आपका और मेरा ब्लड। तो एक बहुत सुपीरियर, अति पवित्र, पावन, जलाली, सामर्थी खून, हालेलुया, बहाया गया, जो आपके और मेरे लिए गवाही। आपको मालूम राजा दाऊद क्या कहता है? अगर आप पढ़ेंगे सबसे पहले 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर नंबर 12:24, तो जब इसराइली लोगों ने मेमने का वध किया, मेमने को उन्होंने ज़िबा किया, उसका वध किया, तो प्रभु ने कहा था मेमने का लहू घर की चौखट पे लगाना, एक ऐसे और एक ऐसे। ये हिब्रू का वर्ड बनता है ताब, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ताब है, ये निशान हमारे ऊपर लगाया जाएगा। एक कैसा? एक निशान लगेगा अलेफ और ताब, ये दो निशान हमारे ऊपर लगेंगे। यीशु मसीह कहता आई एम द अलफ एंड ताब, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। तो उन्होंने ये निशान लगाया ऐसे 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 घर की चौखट पे। मौत रात को आई, थैनाटोस, मौत का दूत, जहां ब्लड होगा मौत वहां काम नहीं कर पाएगी, मौत उस घर में घुस नहीं पाई जहां पे बाहर क्या लगा है? ब्लड लगा हुआ है। आपको मालूम खून क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि मौत पैदा हुई है, मौत को, मौत के ऊपर ब्लड छिड़का जाता है तो ब्लड मौत के ऊपर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। आपको मालूम पाप की फितरत आपके और मेरे अंदर कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। हमें परमेश्वर ने पाप की पावर से छुड़ाया है, पाप की प्रेजेंस से नहीं छुड़ाया। ध्यान से सुने, वी हैव बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, बट वी हैवन्ट बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। Sin is still lurking around. Bible says if someone says that I have no sin, he is making God a liar. Sin is there. Sin nature है अभी. Sin persistent है daily. इसलिए daily हमें अपने आप को धोने की जरूरत है. इसलिए दिन में बार बार यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने की जरूरत है. यीशु मसीह के खून से धुलाई की जरूरत है. आपको मालूम राजा दाऊद इतना भयंकर पाप करने के बाद पश्चाताप करता है प्रभु के आगे, और राजा दाऊद क्यों परमेश्वर के दिल के मुआफिक है? इस वचन में प्रेरितों के काम 13:22 में लिखा है, ही इज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, ही हैज अ यूनिक टेस्टिमोनी अंडर हिज बेल्ट दैट गॉड नेवर बोर सच काइंड टेस्टिमोनी फॉर एनीबॉडी एल्स। ये मेरे दिल के मुआफिक बंदा है। क्यों? क्योंकि दाऊद एक खुली किताब है, वो अपने पाप छिपाता नहीं है। जब उसे पता लगा कि मेरे पाप यहोवा को पता है, नथान नबी ने आके बोला, वो यहोवा के चरणों में गिर पड़ा। वो चाहता तो राजा था यूनाइटेड किंगडम का, नॉर्दर्न सदर्न किंगडम का एक बड़ा एम्परर है, वो चाहता तो दबा सकता था बात को,
लेकिन वो यहोवा के चरणों में गिर गया। उसने 51 जबूर लिख के पूरी दुनिया को बताया कि मैंने जनाकारी की है और मैंने निर्दोष बंदे का लहू बहाया, मैंने कॉन्स्पिरेसी की है, मैंने झूठ बोला है। वो इतना महान है मेरा बाप राजा दाऊद, क्योंकि उसने छिपाया नहीं। क्या लिखता है साम 51:7 में, कहता है जूफे से मुझे धो। ये जूफा बहुत अद्भुत है, इस सब इसे डुबोया जाता है झाड़ू की तरह है। इसकी असल में झाड़ू भी बनती है इसराइल में। आपको मालूम एक औरत जिसका सिक्का खोता है वो क्या करती है, वो अपने घर में एक चिराग जलाती है। चिराग क्या है, ये कलाम है, इसे जलाती है अपने घर में। और जूफे की झाड़ू लेती है, अपने घर में झाड़ू फेंकती है। जूफा क्या है, ब्लड है यीशु मसीह का, जिस पे ब्लड लगता है। ये कलाम की रोशनी, 51 भजन की आप 7 आयत पढ़िएगा गुरुविंदर सिंह जी, इस वचन की रोशनी और यीशु मसीह का खून खोए हुओं को ढूंढता है। वो खोआ सिक्का ढूंढती है घर में। हालेलुया। तो राजा दाऊद कहता है क्लेंज मी, मुझे धो, वॉश मी, हिस्सब के संग ब्लड के द्वारा मुझे साफ कर, मेरे अंदरूनी हिस्सों को साफ कर, इनर मैन को सर्च कर। राजा दाऊद को पता है मेरे अंदर मौत आ गई है पाप के बाद, मैंने जनाकारी की है, मैंने झूठ बोला है और मैंने एक निर्दोष का खून बहाया, इसलिए डेथ रूल कर रही है। राजा दाऊद कहता है मेरी हड्डियों में साउंडनेस नहीं है, मेरी बोन के अंदर डेंसिटी नहीं है, मेरी बोन के अंदर बोन मैरो गवाही नहीं, मेरा ब्लड मेरे लिए। आपको मालूम जब आप प्रभु में चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, कलाम में चलते हैं, परमेश्वर के झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं करते, चोरी नहीं करते, जनाकारी नहीं करते, गंदे काम नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते, आपके अंदर खून यीशु मसीह के नूर से भरा होता है। आपका ब्लड यीशु मसीह की हमद करता है, आपका ब्लड टेस्टमनी देता है आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए गवाही देता है। आपको मालूम आपके ब्लड के अंदर टेस्टमनी है, कॉन्शियसनेस की, विवेक की टेस्टमनी है ब्लड के अंदर। तो भाई और बहनों, ब्लड सील करता है हमें, खून हमें सील कर देता है। हालेलुया। ब्लड सील, आपको आपके विचार नहीं ना, आपके विचार नहीं टिकते जब आप प्रार्थना करते हो, आपके विचार घोड़ों की तरह, वाइल्ड हॉर्सेस की तरह दौड़ते हैं। आपको अपने इधर ब्लड में सील करना है अपने आप को। आपसे प्रार्थना नहीं होती 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि आपका विचार इधर उधर भागते रहते हैं। आपको सील करिए ब्लड से, यीशु मसीह के ब्लड के अंदर घुसिए। मैं यीशु मसीह के ब्लड के अंदर रहता हूँ। आई यू नो ग्लोरीफाई द ब्लड, आई मैग्नीफाई द ब्लड, आई यूज द ब्लड द लैम्ब, यू नो एवरी अदर मोमेंट इन माई लाइफ, एवरी डे आई वॉक इन कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ द ब्लड द लैम्ब। हालेलुया। द ब्लड ऑफ द लैम्ब इज ए माइटी वेपन। The blood of the Lamb shall bear a testimony on the inside of you, and He will bear a testimony in your favor, and He will silence the accuser. He will throw down the enemy that accuses you at the right hand of the Father. Hallelujah. Martha, Martha को जानते हैं ना आप? Martha के विचार दौड़ते हैं इधर उधर। और Mary को जानते हैं आप? Mary sealed है blood में, यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। She doesn't care. बट मार्था इधर उधर, शी इज कंबर्ड विद केयर, जो ग्रीक वर्ड है ना कंबर्ड विद केयर, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, बट मार्था वॉज कंबर्ड विद मच केयर। द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड दैट जॉन इज एम्प्लॉयड देयर फॉर कंबर्ड विद मच केयर, इट मीन्स समबडी हैज अ मिल स्टोन टाइड अराउंड द फ्रॉक एंड द मैन इज पेंडरिंग लाइक दिस, यू नो जस्ट रनिंग राउंड एंड राउंड। The burden is weighing the person down. That is what Jesus said. These worries and anxieties, they are the thorns and the bushes. They will wear you down. They will not let the plant, the supple, tender plant grow up. Hallelujah. झाड़ियाँ उसको क्या करती हैं? तो आपको क्या करना? आपको फैसला लेना है। Blood के नीचे आना, blood के नीचे, खून के नीचे, आपके इधर जो इधर ब्लड लगाना है, आपके अंदर इधर जो दरवाजा है ना उसको ब्लड से, इधर जो डोर है उसको ब्लड से कवर करना है, यीशु मसीह के खून से कवर करना है।
हालेलुया। आपको मालूम रोमियो की पत्री 6:23 में क्या लिखा है? वहां लिखा था वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या लिखा है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेट मी रीड द स्क्रिप्चर फॉर यू। रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 23। रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 23। रोमन 6:23 सुने। लेट मी रीड इट फॉर यू। रोमन 6:23। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। व्हाट इज द गिफ्ट? द इटर्नल लाइफ। यू डोंट हैव टू अर्न इट। यू डोंट हैव टू बिकम डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस गिफ्ट बिकॉज यू वुड नेवर क्वालिफाई। And this gift is through Jesus. Actually, this gift is Jesus Christ. He is the eternal life. God gives you Jesus as gift. You have to receive Jesus as gift. Hallelujah. Jesus is that precious gift. He is the Redeemer. वो आपके इधर डोर पोस्ट के ऊपर अपना ब्लड लगाता है, अपना खून लगाता है। Hallelujah. आपको मालूम अटोनमेंट के लिए मैंने आपको बताया मनुष्य के पापों को अटोन करने के लिए ब्लड यहोवा ने एनिमल का यूज किया क्योंकि एनिमल के ब्लड में भी लाइफ है, लोअर लेवल की लाइफ है। इसलिए किया क्योंकि जानवरों ने यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं किया। तो जो कफार है, हिब्रू वर्ड कफार, अटोनमेंट, कफार क्या करता है? ये है आर्क ऑफ द कवरेंट, ये आर्क ऑफ द कवरेंट है, इसे कहते हैं कफार। ये कफार है, मर्सी सीट को कफार बोलते हैं, कफार। इसके ऊपर यहां पे ब्लड उंडेला जाता है। ये जो ऐसे खोलेंगे ना इस ऐद के संदूक को, अगर आप ऐसे खोलेंगे, इसके अंदर देखा था बेतशेमेश के लोगों ने, दे ओपन्ड अप एंड सॉ इनसाइड। 50,070 पीपल डाइड इंस्टेंटेनियसली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉ है खुदा का। लॉ लिख द टैबलेट ऑफ द लॉ वर हेयर, द एरन्स रॉड दैट बडेड वॉज हेयर। So when they saw the law of God without the covering of the blood, instantaneously, 1 Samuel chapter number 16 says, 50,070 people of Beth Shemesh died because they dared to look at the law without the blood. You cannot look at the law of the Lord without the blood. This blood is the kafar. This blood covers you. This blood prevails over death. Death is destroyed by this blood here. ये खून मौत के ऊपर जयवंत होता है। हमारे अंदर जो sin nature है उसके लिए constant हमें blood चाहिए, constant cleansing चाहिए। We need constant cleansing. आपको मालूम Hebrew में constant cleansing जिसे हम consecration कहते हैं, इसके लिए Hebrew word है निदा, निदा। You need to do nida each day. Nida has to be constant. आपको मालूम पुराने नियम में मिकवा एक रसम थी, मिकवा, और दूसरी थी तवीला। मिकवा का मतलब अपने आप को धोना और तवीला का मतलब होता था अपने आप को पानी में इमर्स कर देना, और जो बहुत गहरे नीचे कुंड बने होते थे उन कुंड के नीचे पानी बहता था, बहते पानियों के ऊपर, फ्लोइंग वाटर के ऊपर कुंड बनाए जाते थे, उनमें लोग अपने आप को धोते थे जिसे मिकवा कहा जाता था, और उनमें लोगों को इमर्स किया जाता था, डुबोया जाता था, जिसे तवीला कहा जाता है, जहां से बपतिस्मा निकला है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, वचन बात करता है रिचुअल प्योरिटी की। रिचुअली लोग अनक्लीन होते हैं। कैसे अनक्लीन हो जाते हैं? जब स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं तब अनक्लीन होती हैं, जब स्त्रियों का अपना मासिक पीरियड आता है, मेंसुरेशन का पीरियड, तब वो अनक्लीन होती हैं, या किसी की मौत हो जाती है, मौत के समय किसी चीज़ को छू लेने से अनक्लीननेस आती है। कुछ ऐसे डिजीजेस थे, बीमारियां, जिनकी वजह से अनक्लीननेस होती थी। तो इसके लिए रिचुअल प्योरिटी के बाइबल के अंदर लेवी व्यवस्था में बहुत सारा कानून है कैसे अपने आप को रिचुअली प्योर करना है। और दूसरी इम्प्योरिटी थी मॉरल इम्प्योरिटी। मॉरल इम्प्योरिटी अर्थात नैतिक अशुद्धता। ये क्या चीज है? जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हो, परमेश्वर कहता है जनाकारी नहीं करना, हरामकारी नहीं करना, गंदे काम नहीं करना, आप वो गंदे काम करते हो तो आप मॉरली इम्प्योर हो जाते हो। हालेलुया। रिचुअल इम्प्योरिटी जो है उसके लिए प्रभु क्या कहता था? रिचुअल इम्प्योरिटी के लिए
कि आपको क्वारंटाइन होना है, आप अलग रहेंगे एक जगह जाके, आपको ओब्लेशन देनी पड़ेगी, पानी की ओब्लेशन, पानी से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, आपको कई रिचुअल्स हैं जो अपनाने पड़ेंगे, एवोल्यूशन का रिचुअल है, और टाइम लगेगा आपको आपकी शुद्धता के लिए जब आप रिचुअली इम्प्योर होते हो। लेकिन जब आप मॉरली इम्प्योर होते हो, मॉरल इम्प्योरिटी क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ विल। आदम विलफुली गिरा पाप में, वॉलंटेरली। हवा तो अजमाई गई, हवा ने डायरेक्ट नखाश का सामना किया और शी वॉज डिसीव्ड, लेकिन एडम विलफुली ही कंसेंटेड विद हिज वाइफ। तो ये जो नैतिक इम्प्योरिटी है, जिसे हम पाप कहते हैं, इमोरालिटी कहते हैं, इसे प्रेरित पलूस गलतियों की पत्री में कहता वर्क ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम, जनाकारी, हरामकारी, लुचपना, लीला क्रीड़ा, नाच रंग, गंदे काम, गंदी तस्वीरें देखना, क्रोध, कुफर, गंदी बातें बोलना, गंदे विचार, गंदी कामना, हसद, नफरत, कत्ल करना, डाह करना, ईर्ष्या करना, वैर करना, चुगली करना, निंदा करना, ब्लैस्फेमी करना, ये सब शरीर के गंदे काम हैं। और आत्मा, आत्मा के भी काम हैं, वर्क ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम और आत्मा के फल, दो चीज़ें हैं, शरीर भी पैदा कर रहा है और आत्मा भी पैदा कर रहा है। तो सिन क्या करता है, पाप क्या करता है? पाप आपको अलग करता है, हालेलुया, पाप अलग करता है। देखिए, मॉरल पाप आपने किया या आप रिचुअली इम्प्योर हुए, अगर आप लोगों के बीच में रहोगे तो आप बहुत सारे लोगों को पाप में लपेट लोगे। जैसे एक व्यभिचारी इंसान जब लोगों के बीच में संगति करेगा, उसके व्यभिचारी जीवन से बहुत सारे पुरुषों और स्त्रियों के अंदर व्यभिचार की कामना पैदा होगी। यदि एक नशे करने वाला व्यक्ति सोसाइटी में जाके रहेगा और नशे करेगा, उसे देख देख के कईयों को नशे करने की लत लग जाएगी, ड्रग्स की लत लग जाएगी, गंदे काम करने की लत लग जाएगी। हालांकि मॉरल पाप जो है कंटेजियस नहीं है, जैसे मैं आपको अपनी बदकारी नहीं दे सकता, लेकिन यदि एक बदकार व्यक्ति दूसरे लोगों के बीच में रहेगा तो प्रभु का वचन बताता है संगति जो है, जो जो बुरी संगति है, बैड कंपनी स्पॉयल्स द गुड कैरेक्टर। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है? नाश कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर ने एडम को नाम दिया अलफ दलथ मैम, अर्थात जिसके अंदर ब्लड है। और मैंने आपको बताया आदम की जब मौत होगी तो क्या होगा? डमूथ ब्लड टेस्टमनी देना बंद कर देगा। एडम का ब्लड यहोवा से कम्युनिकेट नहीं करेगा, टेस्टमनी नहीं देगा और मौत हो जाएगी। हाले तो सारी कुंजी ब्लड की रवानगी में है। आपको मालूम परमेश्वर ने इसे नाम दिया एडम, जो कि पूरी मैनकाइंड का नाम है। लेकिन जब हवा के बेटा पैदा हुआ तो हवा क्या कहती है? कहती है यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है। तो उसने उसका नाम क्या रखा? हिब्रू वर्ड है 366, हिब्रू वर्ड है ईश, ईश। एडम नहीं कहा उसने, उसने कहा ईश, समझते हैं आप। और एक और बड़ा अद्भुत वचन आपको देना चाहता हूं, जल्दी से आप पढ़िए जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए जल्दी से, जेनेसिस उत्पत्ति, और उसका मैं आपको देना चाहता हूं उत्पत्ति का 5 अध्याय, सुने ध्यान से, जेनेसिस चैप्टर नंबर 5, उत्पत्ति 5 में क्या लिखा है? दिस इज द बुक ऑफ द जेनरेशन ऑफ एडम इन द डे गॉड क्रिएटेड मैन इन द लाइकनेस ऑफ गॉड मेड ही हिम। पहले वचन में लिखा है यह वंशावली है आदम की, आदम के खानदान की हिस्ट्री है पूरी। तो क्या लिखता है? प्रभु ने, यहोवा ने जब आदम को बनाया, उसने अपनी शक्ल और अपनी सूरत में बनाया, पहले आदम को डायरेक्ट अपनी शक्ल, जलेम और डमूथ वर्ल्ड है, अपनी लाइकनेस में, अपने सिमिलिट्यूड में, अपनी छवि में बनाया। और दूसरे वचन में लिखा मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेस देम एंड कॉल देयर नेम एडम। पूरी ये जाति का नाम है एडम, स्त्री और पुरुष दोनों का, स्पीशी का नाम है एडम। इन द डे व्हेन दे वर क्रिएटेड, जब वो बनाए गए उनका नाम आदम रखा यहोवा ने। अब तीसरा वचन पढ़े एंड एडम लिव्ड 130 years एंड बिगेट ए सन। 130 साल का जब वो हुआ तब बच्चा पैदा हुआ उसके, कौन सा? यह लिखा है बिगेट अ सन इन हिज ओन लाइकनेस।
अब किसकी लाइकनेस में पैदा हो रहा बच्चा? अब यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में पैदा नहीं हो रहा। एडम तो यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में पैदा हुआ, लेकिन उत्पत्ति 5:3 में लिखा, अब आदम के जो बेटा पैदा हुआ वो यहोवा की इमेज और यहोवा की लाइकनेस में पैदा नहीं हुआ, वो आदम की इमेज और आदम की लाइकनेस में पैदा हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? सेथ रखा गया। किसकी अब शक्ल सूरत में पैदा हो रहे हैं बच्चे? आदम की। कौन से आदम की? उस आदम की जो पाप में गिर चुका है, उस आदम की नहीं जो यहोवा के संग संग चलता है, जो ज्योति के कपड़ों से, लाइट से ढका हुआ था, परमेश्वर के जलाल के कपड़े पहने थे उसने, उस आदम से नहीं। अब आदम जो पाप में मरा हुआ है उसकी शक्ल सूरत में पैदा हो रहे हैं लोग। तो हवा ने जो कैन पैदा हुआ उसका नाम आपको मालूम क्या रखा उसने? ईश। ईश आपको मालूम, ईश का मतलब एडम नहीं रखा उसने नाम, ईश का मतलब होता है फ्रेल, फीबल, मेलंकाली एंड अटरली विकेड। फ्रेल का मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्बल, फीबल का मतलब बहुत कमजोर, मेलंकाली बहुत उचाट रहने वाला, उदास रहने वाला, और बुरी तरह से दुष्ट, ये नाम रखा उसने। मनुष्य जाति क्या है? कमजोर है, मनुष्य जाति दुर्बल है, मनुष्य जाति बहुत उचाट है, टूटी है अंदर से, और मनुष्य जाति पैदा बदकारी में हुई है, विकेड है, बुरी है, दुष्ट है, पापी है। इसी बात को यीशु मसीह कंफर्म करते हैं, कहां पे? मरकुस रचित सुसमाचार 2:17 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं आया जो धर्मी हैं, उनके लिए नहीं आया जो तंदुरुस्त हैं, मैं उनके लिए आया हूं जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, मैं उनके लिए आया हूं। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल के अंदर पूरा टीचिंग दी गई है लेवी व्यवस्था में औरत के लिए। कब औरत के लिए दी गई है? सुनिएगा ध्यान से, जब औरत को उसका साइकिल आता है, मंथली साइकिल। और अगर आप हिब्रेइक कल्चर पढ़ेंगे, औरत का जो मंथली साइकिल है वो मून की मूवमेंट के संग कनेक्टेड है। तो जब उसका मंथली साइकिल आता है, ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज हैं वो क्या सिखाते हैं? दैट कि औरत जो है अनक्लीन है। क्यों अनक्लीन है? बिकॉज टॉक्सिक ब्लड इज फ्लोइंग आउट ऑफ हर बॉडी, उसके शरीर से गंदा खून निकल रहा है, इसलिए औरत अशुद्ध है। और कई तरह के नियम थे अशुद्ध औरतों के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं एक ऐसी औरत थी जिसे 12 वर्षों से लहू की बीमारी थी, वो एब्सोल्युटली अशुद्ध थी। तो ज्यूश जो ऑर्थोडॉक्स रब्बी हैं वो बताते हैं मेंसुरेशन के कारण, औरत के मंथली सर्कल साइकिल के कारण वो लहू, गंदे लहू के कारण अशुद्ध है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं औरत अशुद्ध इसलिए नहीं है, सुनिए अब ध्यान से, सच्चाई ये है, बट द ट्रूथ इज दैट शी इज अनक्लीन बिकॉज शी डिड नॉट कंसीव। औरत इसलिए अनक्लीन हुई है क्योंकि उस ऋतु में उसने गर्भ धारण नहीं किया, शी डिड नॉट कंसीव, शी वेंट थ्रू ओबुलेशन, ओबुलेशन हुई, उसके एग्स बने। आपको मालूम एग्स क्या करते हैं औरत के मंथली साइकिल से पहले? एग्स जो है उसकी फिलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, मैं बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ, फिजियोलॉजी बताती है जब औरत अपनी ऋतु में आती है, अगर वो मैरिड है, उसका पति है, तो उसके जो एग्स हैं वो फिलोपियन ट्यूब के बाहर आते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, और वो एंटीसिपेट करते हैं। क्या एंटीसिपेट करते हैं? कि कतूबा होगा। मैंने आपको बताया था जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं तो पुरुष का जो स्पर्मजोए, ग्रीक में लिखा है स्पर्म, और स्त्री के जो एग्स हैं, पुरुष के क्रोमोसोम, स्त्री के क्रोमोसोम आपस में जब मिलते हैं कोख के अंदर, तो वो एक दूसरे के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेते हैं, उनकी शादी होती है अंदर, दे मैरी ईच अदर। दैट इज वाई सेक्शुअल इमोरालिटी, वेदर इट इज अडल्ट्री और इट इज फर्निकेशन, इफ अ मैरिड मैन डज इट, इट्स कॉल्ड अडल्ट्री, इफ द अनमैरिड पीपल डू इट, इट्स कॉल्ड फर्निकेशन, इट इज सच ए डीप सिन। व्यभिचार ऐसा पाप है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और व्यभिचार में गिरे लोगों को बहुत कठिनाई से छुटकारा मिलता है। तो क्या होता है कि वो एग एंटीसिपेट करते हैं कि पुरुष का सीड आएगा और वो क्या होंगे, उन्हें जीवन मिलेगा। आपको मालूम हम जो वर्ड बोलते हैं आमीन, आमीन,
हिब्रू वर्ड है ये, लेकिन इसकी डीप रिसर्च करेंगे अमीन की। अमीन का मतलब असल में होता है टू फॉस्टर लाइक अ फादर। अमीन का मतलब तू मेरा पिता बन, फॉस्टर लाइक अ फादर। हालेलुया। अगर इफ द सीड वॉज टू फर्टिलाइज विद मैन सीड इट विल प्रोड्यूस लाइफ। द सीड ऑफ वुमन इज वेटिंग फॉर द सीड ऑफ मैन सो दैट दे विल कम टूगेदर एंड कतूबा विल हैपन एंड न्यू लाइफ विल बी बॉर्न, नया जीवन पैदा होगा। तो अगर कोई कवरिंग नहीं है स्त्री की, उसका पति, उसका पुरुष कवरिंग नहीं है, आपको मालूम फिजियोलॉजी क्या बताती है, 72 आवर्स तक फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग वेट करते हैं 72 आवर्स तक। जब उनको मेटिंग नहीं मिलती, जब उनको बीज नहीं मिलता, जिस कवरिंग की उन वो जो एग्स हैं औरत के, वो पुरुष की कवरिंग ढूंढ रहे हैं, पुरुष के विंग्स ढूंढ रहे हैं, पुरुष के सीड के रूप में। अगर पुरुष का सीड नहीं मिलता है वहाँ पे, तो आपको मालूम क्या होता है, वो जो फेलोपियन ट्यूब में होते हैं जीवन के एग, वो मर जाते हैं और वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और जब वो मर जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो अंदर डेथ होती है, डेथ। तो औरत अनक्लीन हो जाती है, उसकी वजह से अनक्लीन होती है, शुद्ध होती है। फिर औरत के अंदर से खून उसे शुद्ध करने के लिए आता है। खून एजेंट है शुद्ध करने का, पानी एजेंट है शुद्ध करने का। तो स्त्री के अंदर से खून और पानी दोनों स्त्री के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को 72 आवर्स में शुद्ध करते हैं। हालेलुया। व्हेन दैट थिंग डजंट हैपन इट डाइज एंड ब्लड फ्लोज टू क्लेंज इट। वुमन इज नॉट अनक्लीन बिकॉज ऑफ द ब्लड, वुमन इज अनक्लीन बिकॉज डेथ हैज टेकन प्लेस। हालेलुया। फिजियोलॉजिकली हर बॉडी ग्रीव्स, देयर इज अ लेमेंटेशन ऑन द इनसाइड ऑफ हर एंड ब्लड बिकम्स द क्लेंजिंग एजेंट। हालेलुया। इफ शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, सपोज शी गेव बर्थ to a son, she will be unclean for 40 days. If she gave birth to a daughter, she'll be unclean for 80 days. And she will go through purification process. आपको मालूम उस purification process को Hebrew में क्या कहते हैं? उस purification process को कहते हैं सराफ। ये वही word है जहाँ से हम सराफ बोलते हैं, जो सोने का काम करते हैं। सराफ का मतलब क्या होता है? वो एक furnace के अंदर बहुत तेज आग जलाता है और उस आग के अंदर सोने को पिघलाया जाता है और उस सोने को पिघला के उसकी इम्प्योरिटी निकाली जाती है। यही है 40 डेज की क्लेंजिंग पीरियड आफ्टर अ वुमन हैज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। द हिब्रू वर्ड इज सराफ, रिफाइनिंग प्रोसेस। इसी शब्द को बाइबल इस्तेमाल करती है जब हम ट्रायल्स में से, यकूब कहता है भाइयों इस बात को आनंद की बात समझना, जब तुम नाना प्रकार के ट्रायल में गिरो, परीक्षाओं में गिरो। हालेलुया। टेम्पटेशन अलग है, जो पाप की टेम्पटेशन आती है वो नहीं, जो ट्रायल आते हैं परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर आपको सराफ में डालता है, आपको उस कुठाली के अंदर डालता है जिसमें आग बहुत है और सोने को पिघला के उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 15:3 में यीशु मसीह कहते हैं यू आर क्लीन बाय द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज व्हाट द वॉटर। क्या लिखा कलाम में? ही वॉशेज द ब्राइड विद द वॉटर ऑफ द वर्ड, दिस वर्ड बिकम्स द लिविंग फाउंटेन ऑफ वॉटर एंड ही क्लेंजेज अस। जीसस क्लेंजेज अस हिज ब्राइड विद हिज वर्ड, जीसस क्लेंजेज हिज ब्राइड विद हिज ब्लड, सो दैट इफ डेथ हैज टेकन प्लेस ऑन द इनसाइड and if there is a lamentation happening because of the death, you know, inside the womb of a woman, you know, when she menstruates, that means she didn't conceive, and there is a lamentation happening and the blood cleanses and the water cleanses her. Hallelujah. Aapko malum atonement jo word hai, atonement ye Hebrew word hai किपूर या किफरीम इसे बोलते हैं, H3722 किपूर। इसका मतलब होता है कवर करना, ढांकना। When the seed of the woman is sitting in the fallopian tube, the egg of a woman are waiting for the covering of man, covering of her husband.
that husband will come and cover, atone. And if that happens, there is celebration because new life is born. Hallelujah. So, agar aap padhenge, atonement will keep you from death. Blood. Isiliye blood sprinkle kiya jata hai. Koi bhi cheez hai, usse khoon ke niche laya jata hai. खून के नीचे आने के बाद मौत मर जाती है, रोग बीमारियां लानते मर जाती हैं, ब्लड के नीचे, कफार के नीचे लाना जरूरी है। तो यीशु मसीह आपका और मेरा कफार है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने और भी आपसे बातें करनी हैं, लेकिन अभी नहीं। आई विल यू नो अदर टाइम, आई विल टॉक टू यू अदर टाइम। हालेलुया, लेट मी जस्ट प्रे। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, I pray in the name of Jesus that the water and the blood will cleanse your people. The water and the blood are absolutely supreme cleansing agent. It is your water, the water that came out of your body, and it is the blood that oozed out of your body. So, Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, let the blood flow over your people. Lord, let every sin be atoned. Lord, I speak kafar over your people right now. I speak the blood covering. Lord, I speak the water to flow, the water of redemption to flow, the water and the blood to flow. Lord, if there is lamentation happening, if death has happened inside the womb, and there is wailing, Lord, let the blood go and cleanse. Let the blood go. Let the water flow and cleanse. Hallelujah. खुदावन, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम को सजदा करता हूँ खुदावन। मैं एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। Lord, I pray for every person right now. Lord, I pray for, अपनी प्रार्थना की बिनती आप अभी भेजें, मैं अभी परमेश्वर के सामने आपका नाम इन्वोक करने जा रहा हूँ। Hallelujah. Lord, I pray for Inderpreet Singh and I pray for his mother, Rajinder Kaur. Lord, that your blood will flow even now as I pray. Lord, I pray for Prabh Bajwa, that your spirit will move over him and his family. Lord, I pray for Jasveer Singh Surinder, for your hand to move upon him. I pray for Amarjeet Kaur and her daughter and their daughters, Lord, for your hand to move. I pray for Anita Rani. Lord, that the blood and the water will flow over Anita Rani and her household, over Vijay Kumar and family. Lord, I cover Gurvinder Singh under the blood. I bring Gurvinder Singh under the kafar of the Lord Jesus. Bobby Art and his family under the kafar. Sahil, brother from Pakistan, and his household, his father under the kafar. Lord, I pray for Manjeet Singh and his family. Bring them under the kafar. I cover Hardeep Singh under the blood of the Lamb, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for Manisha Singhi. I pray for her husband. I pray for her children. Pray for her family. I cover them all, Lord, under the precious and holy blood of the Lamb in the name of Jesus. I pray for Daisy V.S. Cover them under the blood of the Lamb. Lord, I pray for Mangal Thapa. Bless this man, Lord. Bless his wife. Bless his daughters. Stretch forth your hand, Lord. Prepare of this man for your ministry. Cover Khushi, his daughter, under your blood, Lord Jesus. I cover Khushi under the blood of the Lamb. Lord Jesus, Holy Jesus, I pray for Sukhvinder Kunar, Lord. Cover Sukhvinder under your blood. Lord, I pray for Bahadur Singh Akash. Cover Bahadur Singh Akash under your blood. I pray for Vinodhini Christian, Lord, that you would cleanse your daughter with your blood, Lord, and with your water, with the water and the blood. You cleanse Vinodhini Christian. Lord, I pray for Sabi Surjeet and his family. Cover them under your blood, Lord. I pray for Brother Ravi Prakash Gupta. Bless this dear brother. Bless his family. Bless his household, his loved ones, Lord, that don't know you, that yet don't know you. Draw them closer to you, Lord. I pray for Lalit Mehra, Lord. I cover him and his wife and his children under your blood, his in-laws and his parents under your blood. I pray, Lord, for all those people that he meets, Lord, Mahesh Kumar, and Lord, I pray for Mr. Kakkar family. I pray for Selva Raj, Lord. Lord, I pray for Varma's, Lord. Cover them under the blood of the Lamb. Hallelujah. And Lord, in Jesus' mighty name, I pray for Sarah Sarah, that your hand will be upon Sarah Sarah, Lord, that your spirit will rest upon her. I pray for Brother Ratan and his household, Lord,
for your spirit to move upon them in the name of Jesus. Bless Brother Vijay Kumar, Lord. Bless his wife, bless his daughter and son, and his mother, his household, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I pray for... Lord, I cover Charanjit under your blood, Lord. I speak your blessing over Pastor Charanjit. Lord, I bless Devinder Kullar, Lord, your daughter. I cover her under your blood, Lord. Cover her under your blood. Lord, I pray for Pooja Bains, that your hand will be upon Pooja Bains, Lord. I speak your anointing over Pooja Bains. Lord, I pray for Samina Ashraf. I plead your blood over Samina Ashraf and her household, Lord. Lord, I pray for Rosie Singh. Cover Rosie Singh and her household under your blood. Lord, I pray for Geeta, that your hand will be upon Geeta. I speak your blood over Geeta, Lord Jesus. And over Prahlad, I speak your blood. Khudavan tu Prahlad ko chhu aur uska jeevan badal. Lord, bless Brother Kundan Shah. May your hand be upon Kundan Shah, Lord. Hallelujah. Lord, we pray for Amiya Bindu, that he will know you, Lord, that you will speak to him, that you will draw him to you, Lord. Thank you, Lord, for Tanuja Seth and her household. Cover them under your blood, Lord. तेरा धन्यवाद खुदावंद. मैं मंजीत बसरन को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावंद. जसवीर सिंह सुरिंदर को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद. गुरप्रीत को, गुरदीप को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद. हालेलुया, तेरा धन्यवाद. तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदावंद. हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद. तू हमें कफारे में ढाल. मैं तेरा कफारा खोलता हूँ. तेरा कफारा तेरा खून और तेरा जिस्म से बहा पानी है. जैसे खून और पानी औरत को शुद्ध करते हैं क्योंकि उसकी कोख में मौत हुई होती है, वैसे खुदावन तू हमारी आत्माओं की कोख को शुद्ध करता है. अपना खून और पानी हमें दे. तेरा धन्यवाद. हम तुझसे प्यार करते हैं खुदावन. तू कितना महान है यीशु मसीह, कितना अद्भुत है, कितना दयालु है खुदावन. तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु मसीह. तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं खुदावंद. मैं पुष्पा रानी को भी तेरे ब्लड में ढांकता हूँ, तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. हरदीप सिंह को तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. साहिल को, भाई को, तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. पूजा बिष्ट को तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ खुदावंद. तेरे लहू की जय हो खुदावंद. एक एक जन को जो ऑनलाइन है, विलियम भाई को ब्रिटेन से तेरे खून के कफार के नीचे लाता हूँ. थैंक यू फॉर द वाटर एंड द ब्लड. सेक्रेड क्लेंजिंग एजेंट, योर ब्लड एंड योर वाटर. थैंक यू जीसस. तेरा धन्यवाद. तेरे नाम की महिमा हो. यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की. सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करेंगे. प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग उठिएगा और मेरे संग प्रार्थना में जुड़ जाइएगा. यीशु मसीह आपको बरकत दे. जय मसीह की.